नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस दौरान अंजलि का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती हुई दिखाई दी है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उनके दोस्त भी नजर आए हैं। वह स्कूटी निधि चला रही थी, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अंजलि कहती है कि वे स्कूटी चलाएगी। इसके बाद से वे आगे स्कूटी चलाने लगती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। इसमें थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि वो घर चली गई, लेकिन अंजलि के पैर गाड़ी में ही फंसकर रह गए, जिसके बाद से कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर घसीटते हुए ले गए हैं। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से, ये दिल्ली का मामला है, जहां पर बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और अब ये मामला नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अंजलि के साथ उसकी एक फ्रेंड होने का भी खुलासा हुआ है, अपडेट क्या है सैयद? बिल्कुल संभाले, देखिए अभी ताजा अपडेट यही है कि अंजलि के साथ एक लड़की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो एक होटल से निकले थे और तकरीबन 2 से 4 बजे का पूरा मामला बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास होटल से स्कूटी पे लड़की थी और होटल स्टाफ का कहना है कि आपस में स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके पहले होटल के अंदर भी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से होटल स्टाफ ने उनको बाहर निकाल दिया था। दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी दिल्ली पुलिस ने की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ रही है, उसमें अब गिरफ्तारियां संभव थी, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कुछ और लोग भी साथ में हो सकते हैं, जिसको लेकर कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। उस लड़की के उस दोस्त को जो साथ में थी रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास, जिसके साथ थी अंजलि के, उसकी अरेस्ट किया गया है, उसको डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है। दूसरी सबसे अहम खबर यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को पूरे मामले की कमान सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर आदेश दिया है। अभी कुछ देर पहले शालिनी सिंह एक तेज तर्रार ऑफिसर मानी जाती हैं और दिल्ली के कई बड़े केसेस को सुलझाने में उनका हाथ रहा है, जिसके लेकर शालिनी सिंह को ये कमान सौंपी गई है। और दिल्ली पुलिस एक बार फिर लगातार और एक्शन मोड में आ रही है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ आगे बढ़ी है। 20 किलोमीटर के आसपास, जब पहले 12 से 13 किलोमीटर की बताया जाता है कि 20 किलोमीटर के आसपास उस लड़की को, जो मृतका है, उस लड़की को कार से घसीटा गया, जिसके बाद उसके पूरे कपड़े फट गए, पूरे बॉडी के जो कह सकते हैं कि जो है पूरी तरीके से छत-विछत हो गई। दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि अभी कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि किस वजह से उसकी मौत हुई थी लड़की की। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है सुनानी। सैयद, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से अंजलि उस कार में फंसी हुई नजर आई, वो जो उसकी दोस्त थी, उसको लेकर क्या पुलिस ने अब इस मामले को लेकर उसकी दोस्त से पूछताछ की है? क्योंकि ये काफ़ी अहम है, वो उसकी दोस्त काफ़ी एक जस्मदीद गवाह के तौर पर है, क्योंकि उस वक्त उसके साथ वही मौजूद थी और जिस तरीके से वो पहले गिर गई, लेकिन वो पुलिस में कंप्लेन करने नहीं गई, वो घर चली गई, अंजलि गाड़ी में फंसी हुई नजर आ गई, तो इस मामले को लेकर ये बिल्कुल मामला जिस तरीके से आगे उलझता नजर आ रहा है कि अगर उसकी दोस्त उसके साथ थी और जिस वक्त टक्कर लगी तब वो स्कूटी पर थी, तो आखिरकार उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की, उसने पीसीआर को कॉल क्यों नहीं किया, उसने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? जब चश्मदीद ने फोन किया, जिस वक्त लड़की मृतका गाड़ी में फंसी हुई थी और उसको घसीटा जा रहा था, उस वक्त जो चश्मदीद ने देखा, उसके बाद जो है पुलिस को कॉल हुई है और पुलिस तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से लेट रही। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के 4-4 स्पेशल सिटी ये विश्वास दिलाते हुए दिल्ली वालों को नजर आए थे। एक दिन पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि कई हजार ट्रैफिक पुलिस वाले, कई सैकड़ों पीसीआर वैन और कई थानों का, पूरी दिल्ली के जो थाने हैं, तकरीबन 250 से ज्यादा जो थाने हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है कि किसी ऐसी घटना से तुरंत निपटा जाए। तो आखिरकार जब ये काम हुई तो दिल्ली पुलिस इतनी लेट की, तो सवाल सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर कि आखिरकार दिल्ली सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के दावे करने वाली दिल्ली पुलिस इतनी लेट क्यों थी। खुद दिल्ली पुलिस के मुखिया संजय अरोड़ा फील्ड पर थे, चाहे वो इंडिया गेट की बात करें, चाहे वो दूसरे इलाकों की बात करें, कई जगह उन्होंने रात में गश्त की और जायजा लिया सुरक्षा व्यवस्था का। उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में, और वो भी देश की राजधानी में, अगर इस तरीके की घटना होती है तो पूरे देश को संतार होना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के लिए खड़ा होता है।
साफ तौर पर है कि जिस तरीके से अभी दूसरी जो लड़की के साथ दूसरी उसकी फ्रेंड थी उसको डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है फिलहाल और आगे की जानकारी जुटाने की वजह, क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो होटल के सीसीटीवी फुटेज हो, होटल की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज हो, या फिर वो गाड़ी से घिसटती हुई ले जाने वाली सीसीटीवी फुटेज हो, तकरीबन 6 से 7 सीसीटीवी फुटेज अभी तक आ चुके हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इतना लंबे समय तक अगर इस वारदात को अंजाम दिया जाता रहा, उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी रही, सोई रही, तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजनीतिक के हिसाब से, तो आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो दुर्गेश पाठक हो, कल उन्होंने दिल्ली के LG, क्योंकि LG को ही रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, उनका LG मुख्य के घर का घेराव किया और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उस LG के इस्तीफे की मांग कर दी। और अभी ताजा अपडेट बता दें सोनाली कि दिल्ली के जो नेता हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, वो इस वक्त जो है कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है और साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से दोषियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां संभव है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सख्त सख्त सजा दिलवाएंगे और जो भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से पीड़िता के साथ है, उसके परिवार के साथ है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, अपनी साख बचाने के लिए एक बार फिर दिल्ली पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सोनाली बिल्कुल शुक्रिया सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि दिल्ली के हरर केस में CCTV फुटेज में दौरान एक और खुलासा हुआ है कि अंजलि के साथ उसकी एक फ्रेंड मौजूद थी जो स्कूटी पर साफ तौर पर देखने को मिली है। और साथ ही बता दें कि उसकी फ्रेंड को भी काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन वे पुलिस को इस मामले की जानकारी दिए बिना वो घर चली गई, ना ही उसने अंजलि की भी कोई मदद नहीं की। इस मामले को लेकर क्या कुछ रहा है और किस तरीके से उसकी फ्रेंड ने इस मामले को लेकर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, इस मामले को लेकर तमाम बातचीत पुलिस करेगी अंजलि की फ्रेंड से। हापुड़ के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पलवार रोड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने, बता दें कि गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रैक्टर खाई में जा गिरी। इस दौरान स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आनन फानन में इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उनकी मदद से ट्रैक्टर को हटाया गया और नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर पर सवार 2 घायलों को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे व्यक्ति का उपचार जारी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त पंकज निवासी गांव सलोनी के रूप में हुई है। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों को चालक के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद से ग्रामीण और परिजन शांत है। आगरा में आम आदमी पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल जिला मुख्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ का लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे दिए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम DM को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही बता दें कि BJP को पिछड़ा दलित बताते हुए विरोध किया है। भाजपा दलित और पिछड़े के जो आरक्षण का मानसिक रूप से विरोध करती रही है, इनका एजेंडा है कि किसी न किसी प्रकार से आरक्षण खत्म हो। वो तो हाई कोर्ट में रिट हुई और हाई कोर्ट ने इनको पकड़ लिया रंगे हाथ, उसके कारण से अब लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन ये अगर इस प्रकार से आरक्षण का विरोध करेंगे, कल को लोकतंत्र का विरोध करेंगे, इस प्रकार की नीति और रीतियों को रोकने के लिए हम लोग आज रोड पे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो आह्वान किया गया था, उस आह्वान पर आज हम रोड पे हैं। हमारे पूरी की पूरी टीमें आज रोड पे हैं पूरे प्रदेश में। जब तक इस प्रकार की नीति रीति को खत्म नहीं करा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाए, और अब तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे क्या, सत्ता से हटाने के क्रम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज पिछड़ों का, कल दलितों का, इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश का नुकसान कर रहे हैं। इन सब नीतियों का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी रोड पे है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण
मैं बीजेपी सरकार के द्वारा हुई हेराफेरी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आरक्षण बचाओ आंदोलन आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कर रही है, जिसका नेतृत्व माननीय सांसद जी कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार ने गलत तरीके से ओबीसी आरक्षण को अपनाने का तरीका अपनाया, जिसको हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला रद्द कर दिया और हाई कोर्ट बेंच ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि जो भी ओबीसी जो सीट थी वो जनरल कर दिया जाए और चुनाव तत्काल कराए जाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा की मानसिकता रही है, फिरोजाबाद के टुंडला में पालिका ठेका सफाई कर्मी 7 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वहीं हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने आज हाथों में चूड़ियां लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करती नजर आई है। चूड़ियों के एक जगह रखकर अधिकारी को भेंट करने की बात कहती भी नजर आई है। दरअसल फिरोजाबाद के टुंडला में नगर पालिका ठेका सफाई कर्मचारी पिछले 7 महीने से वेतन न मिलने के कारण परेशान होकर पिछले 4 दिनों से नगर पालिका गेट पर तंबू लगाकर पर बैठे हैं। आज धरने पर बैठी महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए हाथों में चूड़ियां लेकर हिलाते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही बता दें कि नगर पालिका में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों के पिछले 7 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके कारण आज हाथों में चूड़ियां लेकर महिलाएं अनोखे तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। 4 दिन से हमारे बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारी महिलाओं ने सपने भेंट में एसडीएम साहब को अधिकारियों को चूड़ी भेंट की गई है। धरने पे हमारे ठेका कर्मचारी हैं, इनको 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, इनके बच्चे भूखे कगार पे आ गए, शिक्षा नहीं मिल पा रही, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। वेतन के लिए पूरी बात बताओ क्या है, भूख हड़ताल करिए वेतन के लिए, जो वेतन नहीं मिल रहा है 7 महीने से, बच्चे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज 4th दिन हो गया। अच्छा। आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से चूड़ियां अधिकारियों के लिए भेजी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज शास्त्री चौक पर आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही बता दें कि महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार ने पिछले से ही मनसा नहीं थी कि वे आरक्षण के लिए आरक्षण दे, इसलिए रैपिड सर्विस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। उसी प्रकार बीएलओ ने भी मतदाता सूची में खिलवाड़ किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, कायदे से कहिए तो पूरा आरक्षण विरोधी है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे किसी भी तरह का आरक्षण हो, ये नहीं चाहती है कि सामाजिक समरसता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा उदाहरण नगर निकाय चुनाव का है, नगर निकाय चुनाव में इन लोगों ने गलत सलत तरीके से आरक्षण लागू किया था और इसके पीछे 2 कारण थे, एक तो ये आरक्षण देना नहीं चाहते थे और दूसरा ये था कि इनको सामने आने वाले चुनाव में डर लग रहा था और ये जानते थे कि इसका विरोध होगा, लोग कोर्ट में जाएंगे और चुनाव टल जाएगा, किसी कारण इन्होंने गलत आरक्षण दिया और अभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आरक्षण सही से मिल सके ओबीसी को, क्योंकि इन्होंने जो सर्वे कराया वो भी गलत कराया। आप पूरे गोरखपुर में पता कर लीजिए, अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर राज्य सरकारी अस्पताल में पेशेंट वार्ड में जन्मदिन मनाया गया, जिसमें महिलाएं जमकर थिरकती हुई नजर आई हैं। वहीं इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी की डांस करने का वीडियो सामने आया है। इस दौरान अस्पताल में और भी मरीज थे, वे काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए हैं। बता दें कि हमीरपुर का मामला है, जहाँ पर बता दें कि वार्ड में ही यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर दूसरे पेशेंट जो है उनको काफ़ी परेशानी हुई है।
यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी को चोरी करते हुए चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जंगल में चलाई जा रही अलहा फैक्ट्री में छापेमारी कर भारी मात्रा में अलहला साथ ही उपकरण बरामद किए हैं। बता दें कि जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है और पकड़ा गया शातिर अपराधी के ऊपर पहले से ही अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज था और कई बार जेल भी जा चुका था। जिले के लड़होली थाना प्रभारी नववर्ष पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंधाव पुलिया में आगे बांधकर सागर रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी बाइक सवार को रोककर बाइक में टंगे एक झोले की तलाशी ली गई। इस दौरान तमंचा और ढेर सारे कारतूस बरामद किए गए। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अपराधी ने सिधाव गांव के जंगल में असहला फैक्ट्री चलाने की बात कही है, जिस पर पुलिस ने बता दें कि स्क्वाड टीम के साथ मिलकर जंगल में खंडर में छापेमारी की। वहां मौके पर रिवॉल्वर सहित 13 तमंचा और साथी उपकरण बरामद किए गए हैं। टीम के दौरान थाना ललौली और एसओजी की टीम के द्वारा एक बड़े ही शातिर अपराधी मन्ना को गिरफ्तार किया गया है। यह पहले भी तमंचा फैक्ट्री में कल्याणपुर थाने से जेल जा चुका है और इसके पास इसकी निशादेही पे ढेर सारी रिकवरी हुई है। इसमें एक रिवॉल्वर देसी, 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के तमंचे, कुल 13 असलहे देसी निर्मित और अर्ध निर्मित दो, और ढेर सारे उपकरण तमंचा फैक्ट्री के ढेर सारे उपकरण भट्टी से लेकर के सारे जो सामान होते हैं वो बरामद हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है फतेहपुर पुलिस के द्वारा। पूरी टीम को हमारे तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि कहां कहां से ये जेल गया है, अन्य जनपदों से गया है कि नहीं गया है, वो भी छानबीन का विषय है। और कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको यह माल सप्लाई करता था, उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही हम कार्रवाई करेंगे। हरदोई में पुलिस से इंसाफ मांगना बेहद मुश्किल भरा काम हो गया है। यहाँ न्याय के लिए गुहार पर कोतवाली का थप्पड़ मिलता है। दरअसल लापता पिता का शव नहर में मिलने के बाद से अब पीड़ित अफसर से न्याय की गुहार लगाने के लिए शहर के कोतवाल से पीड़ित वहां पहुंची, जहां पर पीड़ित को थप्पड़ मारा गया है जिसमें वो नाले में जाकर गिर गई। साथ ही बता दें कि उसके मुंह से काफ़ी खून निकलने लगा। वह इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरदोई में पिहाही कोतवाली क्षेत्र में ग्राम मझिया बखड़िया निवासी रामेश्वर पुत्र बंधवा का 10 दिन पहले ही गांव में कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वे लापता हो गए थे। उसे परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, बाद में रामेश्वर की गुमशुदगी की FIR थाने में लिखाई गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में बता दें कि कार्रवाई नहीं की है, फौरन कोई कार्रवाई नहीं कारण होने के कारण ये घटना हुआ है। साथ ही बता दें कि जिसके बाद से शनिवार को रामेश्वर का शव जनपद लखनऊ के थाना कोकरी क्षेत्र में एक गांव के निकट नहर में तैरता हुआ मिला है, जिसके बाद से परिजन जो है हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस के पास पहुंचे थे। मामला है DM चौराहे का। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम करा करके परिजन और गाँव के अन्य लोग जा रहे थे DM चौराहे के पास, वहाँ पर उन लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उनको उनके घर पिहानी भेज दिया है। शिकायत मिली है उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है, इस पर राजपत्रित अधिकारी से जांच करा करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरे मामले में तथ्य पाए गए हैं अभी तक? अभी तक जो पता चला है कि वो पिहानी के रहने वाले थे और उनका पोस्टमार्टम करा करके परिजन ले जा रहे थे। वहाँ पर कुछ उनके साथ परिजनों के साथ कुछ और लोग थे जो कि वहां जाम लगाने के प्रयास किए, इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सर, किस पुलिस अधिकारी पर जो है कोई एलिगेशन? प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विशाल गौतम एडवोकेट के नेतृत्व में धरनास्थल पर शुरू होकर DM कार्यालय तक नारेबाजी की है और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण दिलाने के संबंध में एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन देने वाले में जिलाध्यक्ष विशाल गौतम, एडवोकेट DK शर्मा, संजय शर्मा, राजेश दयाल समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। मैं आम आदमी पार्टी सहारनपुर का जिलाध्यक्ष विशाल गौतम एडवोकेट। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण बनाया था वो बिल्कुल अवैध था, जो कि
हाई कोर्ट ने रद्द करके ये सिद्ध भी कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं और आरक्षण जो है वो कानून अनुसार लागू करके काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो निकाय चुनावों को टालना चाहती है, इसके लिए ही उसने आरक्षण प्रणाली को दूषित तरीके से लागू किया। तो हमारी मांग ये है कि एक अच्छी और ईमानदार कमेटी बना के यह आरक्षण की समीक्षा की जाए और उस आरक्षण को लागू करके निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में पेशेवर अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस दौरान 13 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क किया है, जिसमें ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख और साथ ही एक मकान की कीमत 7 लाख रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। वह यह मामला जरिया थाना क्षेत्र के अतरौली गाँव का बताया जा रहा है। अतरौली में सत्येंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत है। ये मुकदमा संख्या 246/22 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इसी के तहत इसका एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए और ये एक मकान इसने बनाया था अवैध रूप से जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकलित की गई है, तो दोनों को कुर्क किया गया है। वन और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं तो शासन की स्पष्ट नीति है कि ऐसे गिरोह बंद और सामाजिक गतिविधियों में आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये ग्राम अतरौली में हम लोगों ने आज ये संपत्तियाँ इनकी कुर्क की हैं, इनकी चल संपत्ति अचल संपत्ति को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया गया है। ऐसा ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो वो सचेत हो जाए और भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो उनके विरुद्ध भी ऐसी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद के सभी सदस्य और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला प्रकोष्ठ और संघ के सभी सदस्य मिलकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिलाधिकारी बता दें कि जिला अध्यक्ष राम नगीना निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम लोग 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्यरत है और हम लोगों की दिनचर्या बहुत ही खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं और हम लोगों की दिनचर्या इसमें बहुत ही खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोग टीचर बने थे उसमें 40,000 रुपये लगभग पाते थे, आज हम लोग 10,000 पर गुजारा कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े माता पिता का हम दवाई नहीं करा पा रहे हैं और ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। अपने विभिन्न मांगों के संदर्भ में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में अपनी मांगों के संदर्भित ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिला महामंत्री महिला मोर्चा से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। आज हमारे गोरखपुर में नहीं, हमारे 75 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें हमारी 4 मांगें हैं। पहला ये कि हमें समान कार्य समान वेतन देते हुए हमारी सेवा को 62 साल तक किया जाए। दूसरा ये कि जो अभी जनवरी में नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें हमें अस्थाई किया जाए। तीसरा, जो हमारे टेट भाई हैं उन्हें अविलंब टीचर बनाया जाए। चौथा, जो हमारे बीच में 8,000 शिक्षक साथी नहीं हैं उनको आर्थिक सहयोग देते हुए उनके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और हमारी मांगों को देखते हुए निश्चित रूप से हमने जो बेसिक शिक्षा में योगदान दिया है
और बता दें कि गोरखपुर का यह मामला है जहां पर चार सूत्री मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। आपने सुना किस तरीके से लोग अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। बता दें कि प्राथमिक शिक्षा मित्र और संघ जनपद के सभी सदस्य और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला प्रकोष्ठ और संघ के सभी सदस्य ने मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और चार सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान जिला अध्यक्ष राम नगीना निषाद ने मीडिया से बातचीत भी की है, अपनी बातें भी रखी है। साथ ही बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश द्वारा यहां तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज हम लोग कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लगातार वो ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही बता दें कि उनका ये भी कहना है कि 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्यरत है और हम लोगों को उनका ये कहना है कि उन्हें उतने परिमाण में पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वे काफ़ी परेशान हैं और चार सूत्री मांगों को लेकर लगातार वे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जिला अधिकारी कार्यालय में ये ज्ञापन सौंपा गया है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद के सभी सदस्य और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला प्रकोष्ठ और संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, चार सूत्री मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन दिया है। और साथ ही बता दें कि यहां पर राम नगीना निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश के द्वारा यहां पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज हम जगह जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि हमें पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में ये कार्यरत है और साथ ही उनका ये कहना है कि आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने चार सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।